वेलकम स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको दिया है ए एंड बी आर टू नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो का रूट जो है वो ए एंड बी, वो यूजली नहीं होता है बट इस पर्टिकुलर इक्वेशन में दिया है कि वैसा है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज हाउ मच। सो हाउ डू वी एनालाइज दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट जो है इसका रूट्स ए एंड बी दिया। सो व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट माइनस ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए बी इज इक्वल टू सी बाय ए, दैट इज इक्वल टू बी। सो दिस इंप्लाइज अब ए एंड बी आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट्स, सो बी कैंसिल कर सकता हूँ। बी कैंसिल किया तो ए इज इक्वल टू वन आ रहे। सो इफ ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस टू ए, that is equal to minus 2. So a equal to 1 put kiya to b equal to minus 2 aa raha hai. So a ka value aa gaya, b ka value aa gaya. So what is my x square plus ax plus b? This is nothing but x square plus x minus 2. So what is the least value of this? Least value ka formula hai minus d by 4. A quadratic expression ka least value is minus of discriminant by 4. That is equal to minus of discriminant is b square minus 4ac plus 4 into 2 divided by 4a is 4. That is equal to minus 9 by 4. So minus 9 by 4 is the least value of this quadratic expression. Thank you.